This is a demonstration of Wirecast. हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने और प्रेजेंट कर रहा हूँ अब रेलवे दूर नहीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जुड़ गए होंगे। देखिए, पढ़ाई पे फोकस करना है। आज एक वाटरमार्क आ रहा है, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से, वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन सुनाई देगा और दिखाई भी देगा, ठीक है? वो वाटरमार्क है, इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना? तो सब लोग जुड़ जाएं और बहुत अच्छे से आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हर एक चीज वो समझेंगे और मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे मेथड्स बताऊंगा। आपको ये पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है कि जिससे मेरा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। तो सब मुस्कुरा दें एक बार और सब लोग जुड़ जाएं और अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करना। एक एक चीज जो बताऊं उसको ध्यान से समझना, सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? जी हाँ। स्क्रीन में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप बस पढ़ाई करो, सब कुछ दिखाई देगा। क्लियर है गाइस? हाँ, चलिएगा। तो अब सब लोग यस कर दें कि यस सर, वी आर रेडी। और फिर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर समझ में आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूं। सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे। जी बिल्कुल, चलिए चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। यस, रेडी? ओके। तो मैं पहले लिखना चाहता हूं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग होता है। अलग कैसे होता है, पहले यह समझते हैं कि इसका अगर हम मिश्रधन निकालते हैं तो वो होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 power t। तो ये आपका जो a है वो आपका मिश्रधन है, अमाउंट है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में मिश्रधन ऐसे होता है, अमाउंट ऐसे होता है, ठीक है? और ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। आर आपको पता ही है, रेट है, आर आपकी रेट है, दर है, जो कि वार्षिक कैलकुलेट होती है। कैसी कैलकुलेट होती है? वार्षिक कैलकुलेट होती है। और टी आपका समय है, टी आपका टाइम है और समय है। सर ये हमें पता है, हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताइए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। तो चीजें इंटरेस्टिंग यहीं से ही स्टार्ट होंगी आपकी, यहीं से ही सब कुछ स्टार्ट होगा। आपको मिश्रधन कैलकुलेट करना होता है तो आप मूलधन को सक्सेसिव बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम, मैं आपसे ये कहता था कि आपके एक गांव की जनसंख्या अगर 100 लोग है, आपके गांव की जनसंख्या अगर 100 लोग है और मैं ये कहता हूं कि 2 साल तक 10% की वृद्धि होती है, 2 साल तक 10% की वृद्धि होती है, तो आज वर्तमान में कितनी जनसंख्या होगी? या फिर यूं कहूं कि 2 साल बाद क्या जनसंख्या होगी? ये वर्तमान जनसंख्या है, प्रेजेंट आपके पास किसी गांव की जनसंख्या है और हर साल 10% की आपकी वृद्धि होती है, हर साल, ईच ईयर, ठीक है? ईच ईयर आपकी 10% की जब इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद कौन सी जनसंख्या हो जाएगी, बताइए? 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, जल्दी से बताएं सब लोग। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 में अगर मैं 110/100 करता हूं कि मतलब पहले साल मैंने 10% बढ़ा दी जनसंख्या और दूसरे साल भी मैंने 10% बढ़ा दी। किसका? पहले साल की बढ़ी हुई का। भाई हम करते क्या है, मेरी बात ध्यान से समझ लो कि मैंने किया क्या दोस्तों, मैंने ये किया कि अगर मेरे पास 100 जनसंख्या थी मेरी वर्तमान, तो 2 साल के बाद क्या होगी, मैंने 10% बढ़ा दिया पहले साल का। अब जो दूसरे साल होगा वो पहले साल का भी 10% बढ़ जाएगा। तुम 10 सक्सेसिव लग गया ना इसमें। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 121 वैल्यू आ जाएगा, 121 वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस टर्म में ले रहा हूं, इस टर्म में ले रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कौन सी टर्म में ले रहा हूं, ये देखो कि 10% मेरी बढ़ी है, 2 बार बढ़ी है, तो मैं ये कह दूं कि आपने मतलब नेट नेट
इंक्रीमेंट निकालना है आपको, नेट इंक्रीज कितना हुआ। तो आपको बताया था ना मैंने एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही बताया था। अब यहां पे दोनों भर रहे हैं तो मैं ये कह दूं 10 प्लस 10 100 बटे 100, तो ये मेरे पास क्या आ गया 21% की नेट वृद्धि हो रही है। तो मेरे पास अगर जनसंख्या 100 है तो मेरी नेट इंक्रीज 21% कर दो, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 100 का 121 बटे 100, तो डायरेक्ट मेरा 121 आ गया। तो मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो आप सब? हाँ ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है कि जो भी ये आप सीख रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट वो एक परसेंटेज ही है। सारी चीजें प्रूफ है आपके सामने। मिश्रधन क्या है आपका? जो आपका मूलधन है जितना बढ़ेगा, मतलब मूलधन पे जो ब्याज लग रहा है उसका भी अगले वर्ष ब्याज ऐड होगा, वो आपका मिश्रधन हो जाएगा, चक्रवर्ती मिश्रधन हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? हाँ ठीक है। तो सारे मेथड हम क्लियर करेंगे, ट्री मेथड और रो मेथड और क्या कहते हैं फॉर्मूला मेथड। मैं आपको चार मेथड बताने वाला हूं, चार मेथड, तो आप टेंशन मत लो, ये चार सारी चीजें समझो पहले। क्लियर है? चलिएगा, अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपका चक्रवर्ती इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आप जानते हैं इंटरेस्ट क्या होता है, आपका अमाउंट में से अगर आप मूलधन घटा दो, अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो आपका चक्रवर्ती इंटरेस्ट आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आपका अमाउंट कितना है सर? ये रहा, तो मैंने आपको 1 + r/100 की पावर t, यहां पे मैंने अमाउंट रख दिया, मिश्रधन रख दिया और माइनस p कर दिया मैंने, ठीक है, माइनस पी कर दिया, तो मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बिल्कुल सही बात है ना? कोई इसमें दिक्कत तो नहीं लग रही है आपको? ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं लगेगी क्योंकि अभी आप सीखो चीजें। मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी नाटको ट्रिक बताऊंगा लेकिन चीजें समझ लोगे ना तो लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी इस बात की है बस। ठीक है, तो मैं ये कह देता हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा टी एक वर्ष है, मेरा अगर टी एक वर्ष है मतलब मैंने पहले वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मेरे को, तो मैंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर भाई पहले वर्ष के लिए, तो मैंने पी 1 + r/100 और टी कितना रख दिया मैंने, एक वर्ष, तो यहां की पावर एक हो जाएगी, यहां पर घात एक हो जाएगी और माइनस पी कर दिया। और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरी बात ध्यान से सुनना, P यहां पे आ जाएगा, P + PR/100 - P, तो माइनस P से प्लस P कट गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो पहला वर्ष होता है उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, PR/100, और ये जाना पहचाना सा लग रहा है ना कि पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी यही होता है। तो हमेशा याद रखना पहले वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। क्लियर है? हाँ ठीक है। तो वायर कास्ट लिखे आने से कोई मतलब नहीं होगा, आपको बस पढ़ना है, चीजें समझो, उसको आने दो। आपकी पढ़ाई में जो भी दुविधाएं आंगी वो हमारी नहीं, टेक्निकल इशू है, लेकिन हमें यहां पढ़ना है तो सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पे। ठीक है, चलिएगा। हाँ, तो यहां तक क्लियर हुआ कि आपका जो पहले वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। यहां तक क्लियर हो गया मेरे को? आप बता दें सब लोग, क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखो कितनी बड़ी बात अब आपके सामने निकल के आ रही है, ये ध्यान से समझो। क्वेश्चन तो आप यूं ही करोगे, मेरी गारंटी इस बात की दे रहा हूं मैं आपको बस। ठीक है, चलिएगा। तो ये समझ में आ गया सब कुछ? अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे अब ये कह देता हूं कि भाई साहब अब दो वर्ष के लिए निकाल के देखो सर, दो वर्ष के लिए क्या होता है, अगर मैं दो वर्ष के लिए निकाल के देखता हूं यहां से कि अगर मेरा टी यहां पे दो वर्ष है, दो साल है मेरा टी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये चीजें समझ लो यार, कोई नहीं समझाएगा आपको, सीधा फॉर्मूला बता देगा, है ना, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ऐसा होता क्यों है और हमें करना क्या है। ठीक है, तो दो वर्ष रखूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, पी 1 + r/100, पी 1 + r/100 का स्क्वायर माइनस पी, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना जी, बिल्कुल। तो ये आपके सामने ये हो गया, क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और जो आपके पास निकल के आएगा ना सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करना इसलिए बता रहा हूं कि जो चीज निकल के आएगी ना उसको लोग डायरेक्ट यूज करते हैं फॉर्मूले में, और वो फॉर्मूला आया कहां से, वो यहां से निकला है।
अगर मैं टी आपका 2 वर्ष मान लेता हूं, टाइम आपका 2 साल मान लेता हूं और मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस पी, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे भी सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस पी अपॉन 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। और मैं पी कॉमन ले लेता हूं, पी अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास अंदर क्या बचा, 100 प्लस आर का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, यही बचा दोस्तों। अब मुझे ये पता है ये क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में आएगा ए माइनस बी, तो ए ये है और माइनस बी अपॉन अपॉन हमारा 100 का स्क्वायर चल ही रहा है और पी मेरा भार है ही, पी मेरा भार है ही मेरे पास, क्लियर है, पी मेरा भार है ही। तो मैंने जब इसको देखा तो मेरे पास क्या आया, पी अंदर आया मेरे पास 200 प्लस आर इनटू आर, क्योंकि मेरा ये माइनस 100 से प्लस 100 कट जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या है मेरे पास, 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो निकल के आया है, पता लग गया आपको कि लोग क्या डिराइव करते हैं। अब ये इसको मैं देखो एक शानदार तरीका बताऊंगा आपको, शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे ये चीज आपको याद भी हो जाएगी और ये है क्या वो आपको समझ में भी आएगा। लेकिन इससे पहले, हाँ ठीक है, प्रशांत कह रहे हैं कि सर वो वायर कास्ट बंद कर दो, मेरे हाथ में नहीं है भाइयों, मैं परेशान क्यों करूंगा आपको, लेकिन मेरे समझा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझ लो। ये आपका 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ध्यान से समझ लो एक बार, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं देख लेना बस, और ये मत सोचो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं ट्रिक और मेथड, ट्री मेथड भी लूंगा, सब कुछ लूंगा, लेकिन जो समझा रहा हूं, जहां आपने कहीं नहीं पढ़ा वो यहां पढ़ो आप बस, ठीक है, चलिए। और कोई कहीं ना जाए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं और आप करोगे भी सारे क्वेश्चंस का आंसर दोगे, चलिए ये आपके सामने आ गया, ठीक है, हाँ। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया आपके सामने, तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं, ये मेरे सामने आया पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, अंदर क्या है मेरे पास 200 प्लस आर, ठीक है, 200 प्लस आर है, मेरी बात सुन रहे हो ना, ये मेरे पास 200 प्लस आर रह गया, मैंने 100 यहां नीचे ले आया, आर भी बाहर ले आया, मैं इसको ये लिख देता हूं पी आर अपॉन 100, ठीक है, और 100 का स्क्वायर है ना, और अंदर मैं 100 को ले जाता हूं, तो 200 बटे 100 प्लस आर बटे 100, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा कितना हो गया, 20 से 20 कट गया, और पी अपॉन 100 अंदर मेरा आर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2R प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, 2R प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, और ये 1/100 क्या होता है, 1/100 क्या होता है, ये परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज होता है। तो मैं ये कह दूं कि 2 साल का आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपको रेट पता हो, अगर आपको रेट पता हो और मूलधन पता हो तो डायरेक्ट 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, हाँ ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई। अब इस पे क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसका आंसर देना, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि आपका मूलधन आपका 200 रुपया है, मूलधन आपका 200 रुपया है, समय आपका 2 वर्ष है, समय आपका 2 वर्ष है और रेट आपकी 10% है, रेट आपकी 10% है। चलिए ये आपका ये क्वेश्चन है, आपको 4 मेथड से मैं बताऊंगा, 4 मेथड से समझ लो, बेस्ट मेथड मिलेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। ये देखिएगा ये क्वेश्चन है, इसको करिए और आंसर दीजिए सब लोग, आप किसी से भी करें मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं 4 मेथड बताऊंगा जिससे भी आप करोगे, गारंटी इस बात की है। तो ये क्वेश्चन लो, फटाफट से आंसर लेने की कोशिश करो, आसान इसलिए लिया है कि सारे मेथड क्लियर कर सकूं, क्लियर है, चलिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दें, 42 आनंद हरिओम कुमार आनंद का सही आया है, हाँ, और इसमें आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और आपको क्या निकालना है, मिश्र धन भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है, तो आपका 42 आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना है, तो आप यही कहोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि सर आपने इतना रायता फैलाया, लेकिन हम ये कह दें कि
200 रुपए आपका जनसंख्या मान लो मूलधन है, यहाँ तो 10% लगातार वृद्धि हो रही है 2 साल तक। तो मैं ये कह देता हूं कि आपको सर ये फॉर्मूला लगा देना चाहिए था ना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका नेट वृद्धि हो जाती, ये आपका नेट आपका इंक्रीमेंट हो जाता, नेट आपकी रेट आ जाती, यही बात है। मैंने ये क्या निकाला है, मैंने यही तो निकाला है कि जो आपकी नेट रेट आएगी, और ब्याज क्या होता है, मूलधन पर जितना प्रतिशत दर लगेगी वही आपका ब्याज है। तो मैं ये कह देता हूं आर कितना है आपका 10 + 10/100, ठीक है, तो ये हो गया आपका 21%, ये आपका क्या हो गया 21% हो गया, और आपका मूलधन कितना है 200 है। तो मैं ये कह देता हूं आपका चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, मूलधन का, मूलधन का नेट दर, मूलधन का नेट दर मतलब 21%, तो 200 मेरा ये है, तो मैं यहां पे 200 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 200 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आ गया 42, मेरे पास आ गया 42 इसका चक्रवर्ती ब्याज, मेरे पास 42 इसका क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज आ गया। और अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे पास, अमाउंट आपका क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, तो मैं ये कह देता हूं अमाउंट 200 है, ब्याज 42 है, तो 242 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मेरी बात समझ लो, मैंने ये चीजें पता क्यों बताई हैं आपको, कि आपको पता लगे कि ये चीज आई कहां से है, ये वही तो है 2R, मतलब आपकी दर अगर समान है तो दोनों को मैं जोड़ देता हूं, 10 + 10 मतलब 20 है ना, और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन 100, 100 का स्क्वायर बटे 100, तो ये वही तो है। तो मैं ये कह दूं कि अगर 2 वर्ष आपका समय आ जाए तो आप पी का इतना परसेंट निकाल लो, वही आपका आंसर है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। एक तो ये मेथड आ गया, एक तो ये मेथड हो गया, अब दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, बस ध्यान से समझ लेना, आपने किसी से भी किया होगा, सारे मेथड मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, क्यों यूज करते हैं। देखो एक मेथड आपका ये हो गया, आपका समय 2 वर्ष दे रखा है, एक मेथड ये हो गया। अब मेथड सेकंड देखो, मेथड सेकंड क्या है, जब भी आपसे पूछे कि आपकी दर क्या है, दर कितनी है आर, आर है आपका 10%, 10% को मैं भिन्न में कन्वर्ट करता हूं। मैंने क्या बताया था कि जो आपकी ये रेट है ना, जो आपकी ये दर है, ये रेट है, ये किस पे कैलकुलेट होती है, हमेशा मूलधन पे कैलकुलेट होती है, मूलधन पर निकलती है ये, ठीक है। जैसे कि आपका लाभ और हानि सीपी पर निकलता है, इसी तरीके से दर मूलधन पर निकलती है, मतलब आपके प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होती है हमेशा, ठीक है। तो मैं इसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/10 हो जाएगा, भिन्न में मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/10 हो जाएगी, क्लियर है। तो मैं ये कह देता हूं कि जो ब्याज होता है वो दर का मतलब प्रिंसिपल का कितना परसेंट है वही ब्याज होगा, तो ये मेरा मूलधन हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मूलधन क्यों हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब मैंने इनको इसको भिन्न में कन्वर्ट किया तो मुझे इतना बताया गया था कि जो हमारी दर कैलकुलेट होती है ब्याज की वो मूलधन पर होती है, यहां तक क्लियर है, मूलधन पर हो गई। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, ये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा था, 10% का प्रॉफिट हो रहा था, तो आप लिख देते हो इसको 1/100, 1/10, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आप एसपी कितना निकाल देते हो कि सर हम 11/10 इसको लिख देंगे, ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा, यही करते हो ना, यही करते हो ना। तो ये फ्रैक्शन में हमारा काम चल रहा है, ध्यान से देखो, है ना। देखो अब कितना शानदार तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये देखो कि आपका समय कितना है, समय आपका दे रखा है 2 वर्ष। तो पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए आपका प्रिंसिपल कितना है, 10 है, और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस ब्याज, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका 10 है और इंटरेस्ट आपका 1 है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 11 हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह दूं आपका प्रिंसिपल 11 है और अमाउंट, प्रिंसिपल 10 है और अमाउंट 11 है पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए क्या है, क्योंकि 2 साल का काम है, प्रिंसिपल आपका 10 है, अमाउंट आपका 11 है, हमें पता है दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 10 = 100, 11 × 11 = 121। अमाउंट ये आपका क्या है, अमाउंट है नेट अमाउंट, ठीक है, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है, और मिश्रधन माइनस मूलधन आपका क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है,
है ना। तो मैं ये कह देता हूं कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 21 रेशो आ रहा है। जब आपका मूलधन 100 रुपए है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 21 है। आपका मूलधन कितना है यहां पे? 200 रुपए है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 42 आपका हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, मैंने नहीं किया है ये, है ना, वायर कास्ट जो लगा आ रहा है मैंने नहीं किया है, आपको बस पढ़ना है, आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पे 42 आ गया। अब आपको डायरेक्ट निकालना था कि सर हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालना है, तो मैं ये कह दूं कि 100 आपका जो नकली प्रिंसिपल है, नकली मूलधन है, वो किसके बराबर है? 200 के बराबर है। असली में 200 है, नकली 100 आया, तो 1 = 2 है। इसी प्रकार 121 है तो इसका 2 से गुणा कर दो, क्योंकि यहां पर 2 रेशो निकल के आया, तो 242 आपका डायरेक्ट मिश्रधन हो जाता, और इसका दोनों में घटाओगे तो आपका 42 ब्याज आ जाता। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, क्लियर है गाइस? जी हां। ठीक है, अब आपके सामने मैं तीसरा मेथड रख रहा हूं। तीसरा मेथड ध्यान से देखना, ये आपका दूसरा मेथड है, तीसरा मेथड आप ध्यान से देखो आप, जिससे कि आपका चीजें क्लियर हो जाएं। थर्ड मेथड क्या कहता है? तीसरा मेथड में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए भी एप्लीकेबल है सारे, है ना, ये 3 वर्ष के लिए बड़ा आ जाएगा फॉर्मूला, इसको मैं 3 वर्ष के लिए यूज नहीं करता हूं, ये 2 वर्ष के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये वाला मेथड। ठीक है, 3 वर्ष के लिए सारे और जितने भी वर्ष हो सबके लिए एप्लीकेबल है। अब आपके सामने क्या आ जाती है बात, वो वाली अमाउंट वाली बात कर ली, वही रेट आपकी कितनी है? 10% है, वही रेट 10% है। इसको आप 1/10 लिख सकते हो, इसको आप 1/10 लिख सकते हो ना गाइज? हाँ हाँ, ठीक है, तो या इसको आप 1/10 लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है? मैं ये कह दूं कि आपको अपने हिसाब से मूलधन मानना है, और जब आपका समय 2 वर्ष दे रखा है ना, समय आपका जब 2 वर्ष दे रखा है, तो मैं ये कहता हूं कि जो आपका 10 आया, 2 वर्ष है, तो मूलधन आप मान लो कि 100 है मेरा, माना मूलधन कितना है? 100 है। ठीक है, मूलधन 100 है, आपका 2 वर्ष के लिए ब्याज पूछ रहा है, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। ठीक है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, तो मैं तो ये कहता हूं, आप भी सब जानते हो कि जो पहला वर्ष का ब्याज होगा वो मूलधन का दर से इंटू होगा, तो दर कितनी है मेरी? 1/10। मूलधन कितना मैंने माना? 100, तो पहले वर्ष का ब्याज हो गया 10। ठीक है, और दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा 10। तो ये तो हमारे सरल ब्याज आ गए, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, मतलब जो पहले वाला ब्याज है वो तो इसमें भी लगने वाला है सेकंड ईयर में, लेकिन इसके ऊपर भी एक ब्याज लगेगा। वो कितना लगेगा? इस रेट को मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं अगर इसका 1/10 से गुणा करता हूं तो 1 रुपया एक्स्ट्रा और लगेगा, जो कि अब आपका कितना हो गया? इसके ऊपर मैंने ब्याज लगा दिया, इसका मैंने 1/10 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा लगेगा ना, क्योंकि हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो मैं ये जोड़ दूंगा सब कुछ, तो मेरे पास टोटल जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो आ जाएगा 21 रुपया, है ना। ये 21 रुपया कब है? जब मैंने मूलधन 100 माना है, जब मैंने मूलधन 100 माना है, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 21 रुपया। ठीक है, अगर मेरा मूलधन 200 है तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 42 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, हाँ, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपका लगता है। क्लियर है? देखो, इससे बेहतर मैं आपको समझा रहा हूं, इससे बेहतर सबसे बड़ी बात है मेथड्स हैं ये, तरीके तो मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा और, जिससे कि आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर ये कर रहा हूं कि अगर आपसे डायरेक्ट इंटरेस्ट पूछा जाए तो ट्री मेथड यूज करें। क्या कहता हूं मैं? अगर आपसे डायरेक्ट इंटरेस्ट पूछा जाए तो आप कौन सा मेथड यूज करें? ट्री मेथड यूज करें। ठीक है, अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए तो आप रो वाला मेथड यूज करें। ठीक है ना, रो वाला मेथड यूज करें। तो ये सारे मेथड आपके लिए बहुत जरूरी हैं। क्लियर है? चलिएगा, अब मैं आपके सामने चीजें अब दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चंस, आपको सारे मेथड मैंने बताए हैं, एक बेसिक मेथड है वो भी आप देख सकते हैं, बेसिक मेथड भी बता देता हूं जिससे 4 मेथड आपके क्लियर हो जाए। एक बेसिक मेथड क्या होता है? आपका अमाउंट आपको निकालना है तो प्रिंसिपल 1 + R/100 का टाइम, यही बात है ना, आपको पता है अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल आपका 200 दे रखा है, आर आपकी 10/100 हो जाएगी, टाइम आपका 2 वर्ष है, ये हो जाएगा 110/100,
110 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ से जब आपका निकलेगा तो दो जी चार जीरो से ही आपकी चार जीरो चली जाएंगी, 111 111 121, 242 आपका आ जाएगा अमाउंट। ये क्या आया? अमाउंट आया। और इंटरेस्ट कितना होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 242 माइनस 200 आपका 42 आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका 42 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पता नहीं आपने क्या कर दिया, ये नहीं सोच रहे कि मैंने आपको चार मेथड बताए हैं, फोर मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट है, और आपकी मर्जी आए जिस मेथड से करो, सारे मेथड तरीका बताऊंगा कि कैसे लगाया जाता है। ये तो ट्रेलर था दोस्तों, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है तो उसको देखो तो सही, अभी से हिम्मत हार जाओगे तो फिर नहीं आएगा समझ में। अगर चुटकियों पे और उंगलियों पे करना है ना तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, क्लियर है। चलिए मुझे सब बताएं, हाँ मजा तो आएगा, देखो अभी मैं बताता हूं मजा कैसे आता है, अभी सब क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं कोशिश करता हूं आपको बेहतर और बेहतर बताऊंगा, चिंता ना करो आप। चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन शो करवाना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन आप देखें और उसका आंसर दें, सब लोग पहले क्वेश्चन का आंसर दें। अब सारे क्वेश्चन सारी चीजें सब समझ में आएंगी, देख लेना। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यदि कोई निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि हमें नहीं पता, 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 1261 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है, यह आपको पता लगाना है। मेरी बात ध्यान से सुनो बस, आप अब कोई कुछ ना करेगा, बस चीजें समझेगा, ठीक है, और जिसको आता है वो करे, जिसको नहीं आता है वो समझे। सारा खेल पता है किसका है? रेट का है। दर क्या है भाई? दर कितनी दे रखी है? 5%। दर मेरे पास कितनी है? 5%। मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं इसको 5/100 कर देता हूं, और इसको जब मैं काटूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/20। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका क्या होता है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल होता है, और ऊपर जो होता है वो आपका इंटरेस्ट होता है, वो आपका क्या होता है? ब्याज होता है, ठीक है। यहां पे आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट से रिलेटेड बात की गई है। चक्रवर्ती ब्याज आपको 1261 दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी आपको इंटरेस्ट बताया गया हो, जब भी आपको इंटरेस्ट दिया गया हो, तो आपको कौन सा वाला मेथड लगाना है? ट्री वाला मेथड लगाना है। कौन सा वाला? ट्री वाला, ठीक है। आपको कौन सा मेथड लगाना है? ट्री वाला मेथड लगाना है। तो कैसे लगाएंगे सर उसको? आपका कितना है? 1/20 है, 20 है। वर्ष कितने दे रखे हैं? टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष। तो मेरा तरीका ध्यान से सुनो मैं क्या आपको बता रहा हूं कि 1/20 जब आपका है ना, जो नीचे दे रखा है 3 वर्ष है ना, तो उसका क्यूब कर दो, नीचे वाले का क्यूब यहाँ पे मूलधन मान लो, तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा? 8000 मान लिया, 8000 मान लिया, ठीक है। 3 वर्ष की बात की गई है, 3 वर्ष की बात की गई है, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, मैंने सारी चीजें यहां पे लिख दी हैं आपको, ठीक है ना। हाँ, अब है आपके सामने पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। तो क्या करते हैं, दोबारा से सुन लो कि पहले आप अपनी दर को इसमें बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे। जो आपका नीचे होगा वो प्रिंसिपल होगा, ऊपर होगा वो इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल आपको, इंटरेस्ट आपको गिवन है, इंटरेस्ट आपको गिवन होगा, सीधी सी बात है, एग्जाम दे रखा है ना क्वेश्चन में, इंटरेस्ट गिवन है, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो आपको जो नीचे 20 दे रखा है ना, जो भी आपका प्रिंसिपल आए, आपको मानना क्या है? समय दे रखा है 3 वर्ष, तो उसका क्यूब मान लो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब देखो, मैं यहाँ पे पहले वर्ष आपका प्रिंसिपल यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, वो क्या होगा? 8000 × 1/20, 8000 × 1/20, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ से 400, यहां से मेरा 400 आ गया। तो पहले वर्ष तो 400 यहां पे भी होगा, पहले वर्ष 400 यहां पे भी होगा, पहले वर्ष 400 यहां पे भी होगा, मतलब तीनों साल पहले वर्ष तो 400 होगा। ये तो साधारण ब्याज भी ब्याज की तरह होता है ना भाई, पहले वर्ष तो। अब दूसरे वर्ष क्या होगा? हाँ, दूसरे वर्ष क्या होगा? इस वाले का इधर ब्याज जुड़ेगा भाई, दूसरे वर्ष में पहले वाले का ब्याज जुड़ेगा, तो वो 400 का 1/20 कर दो फिर से। ब्याज क्या होता है? दर का मूलधन से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया आपका? 20 आ गया, तो यहां पे आ गया आपका 20। मेरी बात समझ रहे हो? पहले वाले का
ये ब्याज 20 आगे वाले में जुड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी जुड़ेगा वो, तो भाई आगे दोनों सालों में जुड़ेगा ना, जो 20 इसका है वो इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा। अब इसके पास कितना है, इतना है, तो 400 का 1/20 इसका जुड़ेगा और इस 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं जब इसको देख रहा हूं तो ये मेरा टोटल पता है क्या है, ये टोटल मेरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल मेरा कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि क्या आया 400 1261। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 आया, तब आया जब मेरा मूलधन मैंने 8000 माना था। और इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 1261 है, तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, 8000 मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 8000 मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाइयों, चीजें क्लियर हुई, नहीं हुई तो दिक्कत कोई मत लो यार, तरीका समझो, पहले थावस से समझो, आराम से समझो, जिससे कि आप आगे क्वेश्चन कर सको। ऐसा नहीं है कि क्लास यहीं खत्म हो जाएगी, आगे मैं आपको जब तक नहीं आता चैप्टर तब तक बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ लो। इसलिए बहुत ढंग से बता रहा हूं कि आपको मानना वो है, मानना क्या है, जो आपका निकल के आएगा उसका क्यूब आपको मानना है। और ये मैंने इस मेथड से क्यों किया, क्योंकि हमें इंटरेस्ट गिवन दे रखा था, हमें चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था, अमाउंट देगा तो हम दूसरे मेथड से करेंगे जिससे कि हम आसानी से आंसर निकाल सकें, ठीक है। हाँ, 8000 मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने कैसे माना कि जो आपका 1/20 आया, जो ये नीचे प्रिंसिपल आएगा ना, और जितने वर्ष दे रखे हैं तो प्रिंसिपल का आप क्यूब कर दो बस यहां पे मानने के लिए, जिससे कि आप जब वो निकालो ब्याज तो आसानी से निकलता जाए, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होना, मैं आपको सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा, लेकिन समझ लो बस, आप क्वेश्चन नोट करते जाओ, चीजें समझते जाओ, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, क्लियर है, चलेगा। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ध्यान से इसको ये देखें कि इसमें दिया क्या गया है, इसमें आपको दिया गया है अमाउंट, मिश्र धन, तो हमें कौन सा मेथड लगाना है वो मैं आपको बताता हूं अभी, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और तरीके से करने की कोशिश करें। हाँ, चलिए अभी आएगा, देखो अभी तो देखो पिक्चर बाकी है, धीरे धीरे समझोगे, सब समझ में आएगा। क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी भी आपकी अर्धवार्षिक दे हो, कभी भी आपका जो ब्याज है वो हाफ ईयरली दे हो, ये अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से नोट कर लो इसको कॉपी में। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब भी आपका ब्याज हाफ ईयरली दे हो तो आप क्या करोगे, दर को तो आधा कर दोगे, जो आपकी रेट होगी उसको तो आप कर दोगे आधा, ठीक है ना, और जो आपका समय है, टाइम है, उसको कर दोगे आप दुगुना, ठीक है, टाइम को आप कर दोगे ट्वाइस और दर को कर दोगे आप हाफ, ठीक है। तो टाइम को आपको करना है ट्वाइस और दर को करना है आपको हाफ, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है जब हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली होगा तो सीधी सी बात है समय दुगना हो जाएगा, दर आधी हो जाएगी, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, हाँ क्वेश्चन नहीं आया स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा दिया जाए, हाँ लगा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देखते रहें, जुड़े रहें बस, है ना। क्लियर गाइज, अब मुझे जल्दी से बताएं, क्वेश्चन शो हो रहा है सबको, क्वेश्चन शो हो रहा है, जल्दी से बताएं दोस्तों। This is a demonstration of क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बताएं गाइज, है ना, इंटीमेट करें, फिर हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। यस,
अब क्वेश्चन आ चुका है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इसको ध्यान से समझो कि जब आपका ब्याज हाफ ईयरली दे होता है तो आपकी दर आधी हो जाती है और आपका जो समय है वो दुगना हो जाता है हाफ ईयरली में। क्लियर है? अगर मैं ये कह दूं कि आपका तिमाही हो, ठीक है, आंसर मेरे पास आ चुका है, बहुत बढ़िया। जब का आंसर आ गया है सबका, तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। हाफ ईयरली दे हो रहा है तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि आपका जो दर दे रखी है वो दे रखी है 4%, आपकी दर दे रखी है 4%, और आपका टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है आपका एक वर्ष, टाइम कितना दे रखा है एक वर्ष, एक साल। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपकी छमाही होगी भाई आधा साल होगा, तो आपका जो पीरियड होगा 6 महीने का वही आपका एक साल के बराबर है, तो क्यों ना हम उसकी दर को आधी कर देते हैं। तो जब आपका हाफ ईयरली दे है तो दर को आधी कर दो, मतलब 2% कर दो, और समय को दोगुना कर दो। बस इतना सा काम आपको करना है, आपका समय हो जाएगा आपका 2 वर्ष। समय 2 वर्ष हो गया और दर 2% हो गई, ठीक है, समय 2 वर्ष हो जाएगा, दर 2% हो जाएगी। हमें अब क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, तरीका अपनाना है अपना वाला। आपका रेट कितना है, 2/100, तो ये हो जाएगा आपका 1/50, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है, तो मैं अमाउंट क्या लिखूंगा, 51/50, मतलब ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। टाइम कितना दे रखा है आपका, 2 वर्ष दे रखा है, तो मैं ये कह दूं 50 और 51 एक वर्ष के लिए, 50 और 51 दूसरे वर्ष के लिए। तो यहां पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2500, ये हो जाएगा 2601, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि 2601 आपका अमाउंट है, 2601 आपका अमाउंट है वो किसके बराबर दे रखा है, 7803। तो ये कितनी बार चला गया, 3 बार, तो 1:3, तो 2500 आपका मूलधन है, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 2500 × 3, 7500 आपका आंसर हो जाएगा, 7500, तो 7500 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत इशू है वायर कास्ट का, परेशान ना हो, वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप क्वेश्चन समझने पे फोकस करें जिससे कि आप बेहतर क्वेश्चन कर सकें, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कंसेप्ट और थ्योरम पे ध्यान दो कि मैं क्या क्या चीजें किसके लिए लगा रहा हूं। अमाउंट दे रखा होता है तो मैं इस वाले मेथड को फॉलो करता हूं, नहीं दे रखा होता है, इंटरेस्ट दे रखा होता है, तो मैं दूसरे वाले मेथड को फॉलो करता हूं। क्लियर है? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको करना है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैं खुद लिख रहा हूं क्वेश्चन, चलिएगा। क्वेश्चन मैं खुद लिख रहा हूं, उसका आंसर आप सबको देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपका मूलधन आपको दे रखा है 8000, मूलधन आपको दे रखा है 8000, रेट आपको दे रखी है 10%, रेट आपको दे रखी है 10%, और आपका टाइम दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है 1.5 ईयर, कितना दे रखा है 1.5 साल। तो आपको निकालना है इंटरेस्ट, आपको निकालना है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जब हाफ ईयरली हो, ठीक है, जब ब्याज अर्धवार्षिक दे हो, ठीक है, अर्धवार्षिक दे हो। डेमोंस्ट्रेशन ऑफ वायर कास्ट। चलिए अब आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, मैं इसको 2-3 मेथड से बता दूंगा, लेकिन आपको करके देखना है और आंसर देना है फटाफट से इसका। This is a demonstration of Wirecast. चलिए आंसर दीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन आ गया, जब भी आपका हाफ ईयरली दे होता है तो मैंने अभी बताया है कि आपको क्या करना है, दर को तो आपको आधा कर दो, तो दर आपकी हो जाएगी 10/2, मतलब 5%, और आपका समय कितना हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा दुगना, मतलब 1.5 साल है तो वो हो जाएगा आपका 3 साल, वो कितना हो जाएगा आपका 3 साल हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये आपका कंडीशन अब बदल गई है, अब आपका ये चल गई है दर, और आपको अब इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे करोगे, वही दिमाग लगाना है, वैसे ही करना है। मैं ये कह देता हूं आपसे कि जब आपकी 5% है तो मैंने 5% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास 1/20 हो गया,
ये मेरा हो गया मूलधन और ये मेरा हो गया इंटरेस्ट, ये मेरा मूलधन और ये मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब इसको आपको आंसर सही आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया बात है। ये आपका मूलधन है, ये आपका ब्याज है, ये आपका इंटरेस्ट है। अब इसको आप जो मर्जी है वो मेथड से करो। तो मैं लिखता हूं इसको 20, 21, भाई प्रिंसिपल पहले साल के लिए 20 और 21 ये अमाउंट है, दूसरे साल के लिए फिर 20 फिर 21 और तीसरे साल के लिए फिर 20 और फिर 21। बात समझ में आई? मैंने तीन साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया और तीनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें पता है कि ये नेट प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 8000 और ये हो गया आपका 21, 21, 441 और मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ठीक है, क्लियर है, 1261 सही आंसर है, सही आंसर है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 21 का आपको क्यूब पता लगाना है। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 होता है। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। और आपका सीआई क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटाएंगे, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटाएंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आपने अमाउंट कितना है? 8000 ही है आपका, तो प्रिंसिपल 8000 है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे भी आपका 8000 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1261 आपका आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल सही है, है ना। अब बताओ दिक्कत कहां पे आ रही है? दिक्कत सिर्फ इतनी सी होगी कि आपको क्या पता सर कि ये 1261 आएगा, डायरेक्ट कैसे निकाला। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब हमारा मूलधन 8000 है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 है, अमाउंट माइनस 8000, ठीक है, सही है ना। हमारा वाकई में हमारा 8000 मूलधन है तो बस 1261 आंसर रहेगा। अगर मैं ये कह दूं कि आपका मूलधन मैं 16000 दे रहा हूं, आपका मैं मूलधन 16000 दे रहा हूं, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? जल्दी से बताओ मुझे ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, जल्दी से बताओ। जो लोगों को समझ में आया है वो जल्दी से ये बताओ कि अगर मेरा क्वेश्चन का नकली मूलधन 8000 है तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 आया कैसे? मिश्र धन में से मैंने मूलधन को घटा दिया, क्लियर है, मिश्र धन में मैं से मूलधन को घटा दिया तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, यही तो होता है फॉर्मूला। लेकिन जब 8000 था तो मेरा 1261 आया और अब मेरा 16000 मूलधन है तो भाई साहब मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है। तो बस आपको इसको 2 से गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2522, ठीक है, 2522 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये कड़ी चलती रहती हैं और ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं। अभी कोई दिक्कत ना लो, सारी चीजें क्लियर करेंगे, है ना। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसका भी आंसर देना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, चलिएगा, कोई कहीं ना जाए। देखो चीजें तब समझ में आएंगी जब करोगे, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएंगी, है ना। चलिए, तो ब्याज होता है तो ट्री मेथड लगाते हैं और सीधा निकालना होता है तो आपकी मर्जी से जो मेथड है वो आप लगा सकते हैं। अगर आपका मूलधन है 21600, रेट आपकी दे रखी है 16/2/3% और आपका समय दे रखा है आपको 3 वर्ष, आपका टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जल्दी से करो, दिमाग लगाओ, जल्दी से करो। सबसे पहले टारगेट होना चाहिए रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, तो जल्दी से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और आप अपना आंसर दे पाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, जल्दी से आंसर दें, ट्राई करें, देखो, है ना, मेथड से ट्राई करें, जो मैंने आपको बताया है उसको ट्राई करो, ठीक है। क्या कह रहा है? रेट आपकी 16/2/3 है, अगर किसी को अंदाज है, अगर किसी को पता है तो वो आसानी से आंसर दे देगा इसका। तो ये रेट क्या हो गई? 16/3/50/3% 100 आएगा, तो ये 1/6 के बराबर है फ्रैक्शन में, तो आपका ये 1/6 के बराबर है, तो ये आपका हो गया मूलधन, ठीक है, ये आपका हो गया इंटरेस्ट, और मैं अमाउंट लिखूं और इंटरेस्ट मूलधन लिखूं तो ये 7/6 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि आपका मूलधन पहले वर्ष के लिए 6 था और अमाउंट 7 हो गया, दूसरे वर्ष के लिए भी 6 था फिर 7 हो गया, तीसरे वर्ष के लिए भी आपका 6 था फिर 7 हो गया। कोई अर्धवार्षिक नहीं, कोई कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं है हमें, सीधा सा मल्टीप्लाई करना है इनको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 216 आया और मेरे पास यहां मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 343। तो नेट मेरा प्रिंसिपल, नेट मेरा मूलधन पी है और नेट मेरा अमाउंट ए है, है ना। तो मैं ये कह दूं कि जब मेरा प्रिंसिपल 216 था, जब मेरा प्रिंसिपल 216 था,
जब मेरा प्रिंसिपल 216 था तो मेरा चक्रवर्ती ब्याज कितना था, 343 में से ये घटाओगे, 343 में से ये घटाओगे तो 13 में से 6 जाएंगे तो आपका 7 बच जाएगा, 127 आ जाएगा। क्लियर है, 127। तो मैं ये कह दूं आपसे, जब 216 मेरा प्रिंसिपल है नकली वाला, तो मेरा CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 127 आ रहा है। अगर एक है तो 127 बटे 216, अगर मेरा असली वाला 21,600 है तो यहां पे मैं 216 इंटू ये कर देता हूं, 216 से कट गया तो 12,700 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, 12,700 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है वो, यहां पे तो 216 दे दिया, आसानी से कट गया, मैं यहां पे आपको 432 दे देता हूं तो पिक्चर चेंज, 432 देने का मतलब दुगना हो जाएगा। क्यों? जब 216 में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 127 है तो एक रुपए में 127 बटे 216 और 432 00 में, तो यहां पे 216 00 की जगह 432 00 आ जाएगा और ये आपका कितना बार कट जाएगा, 200 बार कट जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 × 14 1 × 12 × 24 25,400 आपका आंसर आ जाएगा, 25,400। क्लियर है गाइस? समझ में आया? बहुत मजा आएगा। देखिए ना, अभी है ना, डरना नहीं है यार, है ना, क्योंकि आप डरोगे तो इतनी सारी जो चीजें मैं आपको देने वाला हूं वो नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको तिमाही, चौमाही, पांचमाही, पांच माह में कैसे इंटरेस्ट निकाला जाता है, तीन माह में कैसे निकाला जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, लेकिन समझना आपको है, बस जुड़े रहना है और मजे लेना है बस पढ़ाई के। और अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको पता ही है 2 जून को हम मिलने वाले हैं आप सबसे, तो अच्छे से पार्टी होगी जम के, रात को 8 बजे सबको आना है, आप सब इनवाइटेड हो अच्छे से, है ना। तो अब चलते हैं, पहले क्वेश्चन कवर अप करते हैं, तो मैं अभी टाइम है अपने पास तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलता हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन मैं बहुत सारे कराऊंगा, बेफिक्र रहें। अगला कंसेप्ट तो जल्दी आपके लिए कुछ प्लान भी कर रहे हैं हम लोग, जैसा ही हम बताएंगे आपको, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें आप, है ना। चलिएगा, कोई धन है, कोई भी जो पैसा है, कोई भी जो मूलधन है अपना, कोई भी सर्टेन राशि है, ठीक है, सर्टेन अमाउंट या राशि, ठीक है, दो वर्ष में आपका क्या हो जाता है, चार वर्ष में आपका क्या हो जाता है, 8 गुना हो जाती है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8 गुना और 7 वर्ष में 27 गुना हो जाती है, 7 वर्ष में 27 गुना हो जाती है। तो आपको रेट निकालनी है, इसकी रेट फाइंड आउट करनी है, तो जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। अगर आपकी राशि, कोई भी आपका अमाउंट 4 वर्ष में 8 गुना हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज की दर से एट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो आपको 7 वर्ष में अगर 27 गुना हो जाता है तो आपको रेट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, चलिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के मुझे कराने हैं आज, जिससे कि आप, हम आगे चल सकें, ठीक है। तो आप फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर देना, मैं आपको तरीके बताऊंगा। हाँ, तो आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसका एक तरीका होता है सिर्फ, कि जो ये आपका n गुना है ना, ये वही बात है जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था, ये आपका n2 है और ये आपका n1 है। अगर आपको रेट फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सी बात ये है, आपको निकालना है n2 अपॉन n1 1/t। ये सबसे बड़ी चीज है, यहां पे जो टाइम आता है ना वो इधर चला जाता है। अब सर ये ऐसा आया कैसे, हमें नहीं पता, मैं बताता हूं। जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, है ना, तो यहाँ पे आप अमाउंट की जगह अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हो तो यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट प्रिंसिपल 1+R/100 आएगा, माइनस पी आएगा। क्लियर है? सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पी 1+R/T माइनस पी होगा, यही होगा ना। अगर मैं ये कह दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पी मैंने कॉमन ले लिया यहां से, तो 1+R/100 यहां हो जाएगा, पी मैंने कॉमन ले लिया तो यहां P नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका +1 इधर हो जाएगा, तो आपका जो ये चीजें है ना, ये सारी चीजें ये 1/t में कन्वर्ट हो जाएंगी यहां पे, ठीक है, तो आपका R इस टर्म में बनेगा यहां पे,
ठीक है, आपका आर इस टर्म में बनेगा, तो चीजें समझो, एन टू अपॉन एन वन माइनस वन की मल्टीप्लाई 100, ये आपको करना है, ठीक है, हाँ यहाँ पे इतना सा आपको करना है। तो मैं ये कह दूं आपका एन टू कितना है 27 गुना, तो आर आपका है 27 गुना, ठीक है, और यहां पे आपको दे रखा है 27 और आपका 8 गुना, और जो आपका टी है वो क्या होगा T2 - T1, मतलब पहले में जो काम किया गया है T2 - T1, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1/3, 7 में से 4 गए तो -1 × 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें, हाँ ठीक है, तो यहां पे आप देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो R बराबर 3/2 - 1, क्योंकि मैंने क्या किया क्यूब रूट निकाल लिया इसका, इंटू 100, तो यहां पे जब आप देख रहे हो तो R बराबर आपका आ जाएगा 50%, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 50%। देखो सीधी सी बात यह है, इसको ज्यादा याद रखो, सीधी सी बात है, डायरेक्ट कर पाओगे, कैसे क्वेश्चन निकलते हैं कैसे आते हैं मैं सब कुछ लिखने वाला हूं, बस अब आप देखो इस चीज को, है ना, जो लोगों को नहीं समझ में आएगा मेरे भाइयों कोशिश करो भाई, मजा आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूं, विश्वास करो इस चीज का कि सबसे बेस्ट चीज आपको मिलेगी, बस आप तरीके देखते जाओ, है ना। देखो ये आया क्यों, कैसे करना है, ये सब बता रहा हूं, बस अब देख लो आप कि हमें कैसे कैसे फॉर्मूले और कैसे कैसी चीजें सीखनी है। चलिए हाँ, अगर आपको रेट निकालना हो, अगर आपको रेट निकालना हो, आपको क्या दे रखा हो, अमाउंट दे रखा हो, अमाउंट दे रखा हो, और आपको क्या दे रखा हो, प्रिंसिपल दे रखा हो, मूलधन, अमाउंट और प्रिंसिपल, मिश्रधन और मूलधन आपको दे रखा हो और आपको रेट निकालना हो, तो आप क्या लगा सकते हैं, रेट बराबर डायरेक्ट आप लगाइए a/p/1/t, और आपको टाइम भी दे देगा, टाइम भी दे रखा हो, टाइम भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो 1/t - 1 × 100, ये आप कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, आपको रेट निकालना हो, अमाउंट दे रखा हो, प्रिंसिपल आपको गिवन हो, टाइम भी आपको गिवन हो, तो आप इस तरीके से रेट निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, जो सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकता है जब आपकी 1/2 में पावर्स आ जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो, आपको बस इतना सा ही तो याद रखना है, और ये सब में सेम है, सभी में सेम है। देखो कैसे, अब मैं आपको देता हूं कि कोई भी राशि 4000 रुपये से दो वर्ष में कितनी हो जाती है 4840 हो जाती है, तो आपको रेट निकालनी है, आपको रेट निकालना है, जल्दी से निकालो, ट्राई करो, कोशिश करो, आंसर आ जाएगा। हाँ तो गौरव जी यहाँ पे गर्ग भाई साहब बैठे हैं, वो देखिए ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं अपने आप में, और मतलब इतना इंटेलिजेंट समझते हैं खुद को कि जो सामने यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, यहाँ ये नहीं समझते कि सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है, आपको बहुत कुछ आता होगा लेकिन अगर मैं धीरे धीरे नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं करूंगा, तो जिनको सिखाना चाहता हूं उनको भी नहीं सिखा पाऊंगा, है ना, तो आप कोऑपरेट करें और चीजें समझने की कोशिश करें, इतनी टिपिकल नहीं है, मैंने वादा किया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप चुटकियों में क्वेश्चन करोगे तो करोगे, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, गारंटी इस बात की देता हूं। चलिएगा, आंसर आ रहा है मेरे पास 10%, 10% इज द राइट आंसर। हाँ भाई साहब श्याम सुंदर कह रहे कंसेप्ट से बताओ, ये कंसेप्ट ही है, आपको तरीका समझना है, ठीक है, कि जो आपका 4000 रुपए का आप इसको कैसे कर सकते थे, बात तो वही है यार, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1/r/100 / t होता था, यही होता था ना, मैं आपको तरीका भी बताता हूं, देखो है ना कि मैं आपको आसान चीजें बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसने क्या बोला है, आपका पैसा 4000 रुपया, आपका पैसा 4000 रुपया कितना हो जाता है 4840 हो जाता है, कब हो जाता है, जब आपकी रेट होती है वो हमें निकालनी है, बटे 100 करना होता है, समय आपका 2 वर्ष दे रखा है, ये वही है ना, ये वही है। अब जब आप क्या करोगे, इस 4000 को नीचे ले आओगे, इस 4000 को जब आप नीचे ले आओगे तो ये भाई साहब यहां पे आ जाएंगे 4000, मैंने इससे इसको काट दिया, इसको मैं और काटूंगा, काटने की जरूरत नहीं है, ये 22 बन रहा है और ये आपका 20 बन रहा है, मैंने इसको काट दिया ना भाई,
मेरी बात समझ रहे हो? मैंने क्या किया, जब यहाँ स्क्वायर था ना, इस रूट को इधर लेके आ गया, तो ये स्क्वायर चला गया और ये 22 का बन रहा है, ये 20 का बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + r/100 और 2 से काट दूंगा, 11/10 बराबर 1 + r/100 और यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो ये 1/10 बराबर r/100, तो r बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 10%। तो ये आपका था बेसिक, ठीक है। और मैंने आपको डायरेक्ट बताया तो मैंने कोई गलती की नहीं की भाई, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। 4840 और वही बात है, देखो तीसरा स्टेप है वो, अपॉन 4000 की पावर 1/2, क्योंकि टी है हमारा -1 × 100 करना है, बस यही तो काम करना है। ये आपका निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, 2 से आप काट लो 121/200, तो ये हो जाएगा 11/121 आपका आ जाएगा 100, तो 11/10 - 1 × 100, तो यहाँ से भी वही आपका 10% निकल के आ जाएगा। क्लियर है गाइस? जी हाँ, देखिए समझ में सब कुछ आएगा, अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद मैं जो लोगों से करूँगा कि लाइक करते रहें और मज़े करें। देखो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन समझ लो आप, है ना, बहुत अच्छे से करेंगे, टेंशन मत लो। कल आपको 11 बजे फिर से आना है, टाइम पे आओ, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अभी तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, ये ले लीजिए फटाफट से, इस क्वेश्चन को करिए कि 2 वर्ष में 9680 हो जाता है कोई धन, कितना, 2 वर्ष में 9680 रुपए हो जाता है, और 3 वर्ष में 10648 हो जाता है। अब पिक्चर अटक गई, अब पिक्चर अटक चुकी है, अब आप बेसिक से जाओगे तो लेंथी हो जाएगा, इसलिए तो मैं आपको तरीके बताता हूं। हमें अगर डायरेक्ट दे देता है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, तो हम क्या करते थे, रेट निकाल लेते थे, a/p(1/t - 1)/100, यही करते थे। क्लियर है? अब यहां पे ना तो अमाउंट है ना प्रिंसिपल है, दोनों ही अमाउंट दे रखे हैं, तो अब क्या करना है, ये देखो बस, अब ये करना है आपको, क्या करना है आपको, यहाँ पे रेट निकालनी है, तो आपको बड़ा वाला पैसा 10648, छोटा वाला पैसा 9680 की पावर, जो आपका अब 1/t आएगा ना, इसमें से इसको घटाओगे क्या, इसमें से इसको घटाओ, जल्दी से घटाओ, आंसर निकालो, 1 point जल्दी से, हाँ, तो यहाँ से आप 3 वर्ष में से 2 वर्ष घटाओगे तो ये 1 वर्ष आ जाएगा, -1 करो, वही चीज सेम बता रहा हूँ सारी यार। अब जब इसमें से ये माइनस करोगे, 10648 में से 9680 माइनस करोगे, अपॉन 9680 × 100, तो ये आपका आ जाएगा 968, 968/9680 × 100 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10% निकल के, तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी, 10% आपकी रेट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10% आपकी रेट आ जाएगी। क्लियर है गाइस? जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये आपके छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी हमेशा। बस याद सिर्फ इतना रखना है कि आपको तरीके से समझना है, और डेली क्लास अटेंड करोगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। ये आप ये समझ लेना, आज तो ट्रेलर था, क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करने वाले हो। और आपके लिए मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि वाईफाई स्टडी आपके लिए टेस्ट सीरीज धमाका लेके आ रहा है फिर से। जो बच्चे वंचित रह गए थे पहले, क्योंकि अभी भी फोन आते हैं कि सर हम परचेज नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो 30, 31 और 1 ये डेट को आपके लिए, 30, 31 आपके लिए मई और 1 जून 2 मिलियन के उपलक्ष में, ठीक है। तो जो हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो इसी के उपलक्ष में आपके लिए वाईफाई स्टडी लेके आ रहा है 30, 31, 1 को टेस्ट सीरीज धमाका, ठीक है। और 2 जून को 8 बजे से रात को 8 बजे से आप खाना वाना खा के सब फ्री हो जाना, और हमारे 2 मिलियन सेलिब्रेशन जो सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन होगा उसमें सब आप इनवाइटेड हो, और ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सब लाइव रहना, और यूट्यूब से, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपको रात को 8 बजे लाइव होंगे और खूब सारी मस्ती करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी उतना ही जरूरी है, ठीक है ना। जी हाँ, तो देखिए हम और पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा करेंगे। आप मत करना क्वेश्चन आज करके, मत देखना चाहे, करके देखो तो करके देख लेना। कल इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि मज़ा आ जाने वाला है, विश्वास करो, भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा और हमेशा अच्छा ही होगा। क्लियर है गाइस? तो फिर चलते हैं,
कल मिलते हैं फिर 11 बजे, ध्यान रखना, ठीक है ना? और थैंक यू सो मच, अच्छा लगा है सेशन, होप यू लाइक इट। एंड आपको स्वागत है आपका, 8 बजे आना है 2 जून को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। This is a demonstration of Wirecast.